हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यार्न कौन कौन से होते हैं और उन यार्न्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है टाइप ऑफ यार्न और क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यार्न क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यार्न की डेफिनेशन बताता हूँ। तो यार्न क्या होता है, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ ट्विस्टेड टेक्सटाइल फाइबर्स इज कॉल्ड यार्न। दोस्तों, मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका यार्न होता है वो एक टेक्सटाइल फाइबर से ट्विस्टेड स्ट्रैंड होता है। तो द यार्न इज यूज्ड इन वीविंग एंड नीटिंग। दोस्तों, जो यार्न होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, वीविंग में होता है और नीटिंग में होता है। अब दोस्तों, थ्रेड क्या होता है, देखिए, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ टू और मोर प्लाइज ऑफ यार्न इन विच प्लाइज ऑफ यार्न आर ट्विस्टेड टुगेदर इज नोन एज थ्रेड। दोस्तों, जो आपका थ्रेड होता है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है। उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्लाई होती हैं और वो प्लाई क्या होती हैं, आपस में ट्विस्टेड होती हैं। तो ऐसे धागे को हम बोलते हैं थ्रेड। इट इज यूज इन नीडल वर्क एंड द वीविंग ऑफ द क्लॉथ। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं थ्रेड और यार्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एवरी थ्रेड इज मेड ऑफ यार्न। दोस्तों, जितने भी आपके थ्रेड होते हैं वो यार्न से बने होते हैं। देयर फोर वी कैन रेफर थ्रेड एज यार्न। तो हम किसी भी थ्रेड को यार्न बोल सकते हैं, बट यार्न कैन नॉट बी रेफर्ड टू द थ्रेड। बट हम यार्न को थ्रेड नहीं बोल सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन यार्न एंड थ्रेड आर बीइंग गिवन बिलो टेबल। दोस्तों, हम नीचे की टेबल में आपको थ्रेड और यार्न के डिफरेंस बता रहे हैं, तो देखते जाइए। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे यार्न है और यहाँ पे थ्रेड है। तो जो पहला डिफरेंस क्या होता है, यार्न में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लाइज इन इट। दोस्तों, जो आपका यार्न होता है उसके अंदर एक प्लाई भी हो सकती है और एक प्लाई से अधिक भी हो सकती है। बट थ्रेड के अंदर क्या हो सकता है, द थ्रेड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्लाई। दोस्तों, आपका जो थ्रेड होता है उसके अंदर हमेशा एक से ज़्यादा प्लाई होगी। दोस्तों, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इट इज नॉर्मली यूज इन वीविंग एंड नीटिंग। दोस्तों, जो आपका यार्न होता है जनरली नीटिंग और वीविंग में यूज होता है। और थ्रेड क्या होता है, देखिए, इट इज मोस्टली यूज इन स्विंग क्लॉथ एंड इन नीडल वर्क। दोस्तों, आपका थ्रेड होता है वो या तो स्टिचिंग में यूज होता है या नीडल वर्क में यूज होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए, इट कैन नॉट बी रिफर्ड एज थ्रेड। दोस्तों, यार्न को हम थ्रेड नहीं कह सकते। और यहाँ पे देखिए, जो थ्रेड है आपका, इट मे बी रिफर्ड एज यार्न आल्सो। दोस्तों, हम थ्रेड को यार्न भी बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चौथा डिफरेंस क्या होता है, यार्न हैज लेस एलोंगेशन एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों, जो आपका यार्न होता है उसकी जो एलोंगेशन होती है उसमें और उसकी स्ट्रेंथ होती है उसमें कम होती है। और थ्रेड के अंदर क्या होता है कि थ्रेड हैज मोर एलोंगेशन एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों, थ्रेड के अंदर ज़्यादा एलोंगेशन होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। अब दोस्तों, पाँचवा डिफरेंस क्या होता है, यूजुअली यार्न इज सोल्ड इन बिगर पैकेज। दोस्तों, जो आपका यार्न होता है वो ज़्यादातर बड़े पैकेज में बेचा जाता है। द थ्रेड इज नॉर्मली सोल्ड इन स्मॉलर पैकेज। दोस्तों, जो आपका थ्रेड होता है वो छोटे छोटे पैकेज में बेचा जाता है। अब दोस्तों, छठवां और अंतिम डिफरेंस देखिए, यार्न इज प्रोड्यूस्ड बाई स्प्रिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स टुगेदर। दोस्तों, जो यार्न प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है स्पिनिंग के द्वारा, उसमें छोटे छोटे फाइबर को स्पिन किया जाता है साथ में। और जो थ्रेड होता है वो कैसे बनता है, थ्रेड इज ऑब्टेंड बाय ट्विस्टिंग टू और मोर प्लाइज ऑफ यार्न टुगेदर।
जो थ्रेड होता है वो यार्न की एक से ज़्यादा प्लाई को साथ में ट्विस्ट करके बनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों आता है क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न, तो हम किसी भी यार्न को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, द यार्न कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन कैटेगरीज, मतलब हम किसी भी यार्न को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्पन और स्टेपल यार्न और दूसरा होता है फिलामेंट यार्न। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्पन यार्न के बारे में। देखिए दोस्तों, द स्पन यार्न मेड ऑफ स्टेपल फाइबर बाई ट्विस्टिंग टुगेदर इज कॉल्ड स्पन और स्टेपल यार्न। दोस्तों जो आपका स्पन यार्न होता है वो कैसे बनाया जाता है, टेक्सटाइल फाइबर्स को आपस में स्पन करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम स्पन और स्टेपल यार्न। तो दोस्तों अब स्पन यार्न को फर्दर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस सब कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिस। दोस्तों हम अलग अलग आधार पर स्पन यार्न को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों पहला बेस है हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लाईज, दोस्तों हम धागे में कितनी प्लाई प्रेजेंट है उसके आधार पर स्पन यार्न को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है सिंगल प्लाई यार्न, दूसरा होता है मल्टीप्लाई यार्न। दोस्तों सिंगल प्लाई यार्न क्या होता है ये देखिए, द स्पन और स्टेपल यार्न हैविंग ओनली वन प्लाई इज कॉल्ड सिंगल प्लाई यार्न। यदि आपके स्पन यार्न में सिर्फ एक ही प्लाई प्रेजेंट है तो ऐसे धागे को हम बोलते हैं सिंगल प्लाई यार्न। अब दोस्तों जो मल्टीप्लाई यार्न होता है वो क्या होता है, द स्पन और स्टेपल यार्न कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन प्लाई ट्विस्टेड टुगेदर और ग्रुप्ड टुगेदर ओनली इज कॉल्ड मल्टीप्लाई यार्न। दोस्तों जो मल्टीप्लाई यार्न होता है उसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा प्लाई होती है और वो आपस में ट्विस्टेड होती हैं या ग्रुप्ड होती हैं साथ में, तो ऐसे धागे को बोलते हैं मल्टीप्लाई यार्न। अब दोस्तों दूसरा बेस होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्ट, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट हम धागे को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है एस ट्विस्ट यार्न, दूसरा होता है जेड ट्विस्ट यार्न और तीसरा होता है जीरो ट्विस्ट और ट्विस्ट प्लस यार्न। दोस्तों देखिए एस ट्विस्ट यार्न क्या होता है, स्पन और स्टेपल यार्न ट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एस ट्विस्ट यार्न, मतलब ऐसा स्पन यार्न उसमें ट्विस्ट की डायरेक्शन जो पड़ी हुई है वो एस लेटर के इंक्लिनेशन के सेम हो तो उसको हम बोलते हैं एस ट्विस्ट यार्न। दोस्तों ये देखिए, यार्न मेक्स द शेप लाइक एस इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। दोस्तों जो आपका फाइबर होता है उसका इंक्लिनेशन होता है वो एस लेटर के मिडिल पार्ट के सेम शेप बनाता है। दोस्तों दूसरा होता है जेड ट्विस्ट यार्न, तो इसमें क्या होता है, स्पन और स्टेपल यार्न ट्विस्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड जेड ट्विस्ट यार्न। दोस्तों यदि आपके स्पन यार्न में जो ट्विस्ट है वो जेड ट्विस्ट है तो उसको बोलेंगे हम जेड ट्विस्ट यार्न। तो इसमें क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ फाइबर इन दिस यार्न मेक्स द शेप लाइक जेड इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। तो आपके जेड ट्विस्ट के यार्न में जो फाइबर का इंक्लिनेशन होगा वो उस जेड के मिडिल पार्ट के सेम होगा। दोस्तों अब एक होता है जीरो ट्विस्ट यार्न, दोस्तों जीरो ट्विस्ट यार्न क्या होता है, दिस यार्न इज मेड बाई द रैपिंग ऑफ द सोलूबल फिलामेंट विद अनट्विस्टेड स्टेपल फाइबर्स। दोस्तों जीरो ट्विस्ट यार्न होता है वो अनट्विस्टेड फाइबर के ऊपर एक सोलूबल फिलामेंट को रैप करके बनाया जाता है। हॉट वाटर सोलूबल फिलामेंट्स आर यूज्ड फॉर रैपिंग। दोस्तों जो हम फिलामेंट की रैपिंग करते हैं वो रैपिंग क्या होती है कि हॉट वाटर सोलूबल होती है, आफ्टर वीविंग दीज फिलामेंट्स आर डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। दोस्तों ये जो फिलामेंट की रैपिंग होती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, दस फैब्रिक हैविंग स्पन यार्न लुक लाइक ट्विस्ट लेस। दोस्तों अब इस तरीके से जो हमने कपड़ा बनाया है उसमें जो फाइबर दिखता है या यार्न दिखता है वो बिल्कुल ट्विस्ट लेस दिखता है, इट इज कॉल्ड जीरो ट्विस्ट यार्न। दोस्तों इसको हम जीरो ट्विस्ट यार्न बोलते हैं। अब एक होता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ट्विस्ट, दोस्तों इस बेस के आधार पर भी हम अपने स्पन यार्न को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं,
पहली कैटेगरी है लो ट्विस्टियान, दूसरी है नॉर्मल ट्विस्टियान और तीसरी कैटेगरी है हाई ट्विस्टियान। तो दोस्तों जो लो ट्विस्टियान होता है वो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ यार्न कंटेन्स लेस डिग्री ऑफ ट्विस्ट देन स्टैंडर्ड। इस तरीके के धागे में क्या होता है, स्टैंडर्ड से कम ट्विस्ट होता है। इट हैज़ बल्किनेस एंड सॉफ्ट फील। दोस्तों इस तरीके का धागा बल्किनेस शो करता है और सॉफ्ट फील भी शो करता है। इट पोजेज लेस स्ट्रेंथ देन नॉर्मल ट्विस्ट यार्न। दोस्तों ये जो लो ट्विस्ट यार्न होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल ट्विस्ट से कम होती है। इट शोज पुअर लस्चर एंड लेस क्लियरिटी इन द स्ट्रक्चर। दोस्तों जो लो ट्विस्ट का धागा होता है वो पुअर लस्चर शो करता है और उसका जो स्ट्रक्चर बनता है फैब्रिक में वो क्लियरिटी कम देता है। इट लुक्स कोर्सर देन नॉर्मल ट्विस्ट यार्न। दोस्तों ये जो लो ट्विस्ट का धागा होता है वो नॉर्मल ट्विस्ट से कुछ कोर्सर दिखाई देता है। पिलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक मेड ऑफ दिस यार्न आर पुअर। दोस्तों कोई भी कपड़ा यदि लो ट्विस्ट यार्न से बना होता है तो उसकी पिलिंग प्रॉपर्टीज होती है वो पुअर हो जाती है। दोस्तों अब इसके बाद में दोस्तों आता है नॉर्मल ट्विस्ट यार्न। अब देखिए दोस्तों नॉर्मल ट्विस्ट यार्न क्या होता है, दिस टाइप ऑफ यार्न हैज नॉर्मल ट्विस्ट एज पर स्पिनिंग नॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो क्या होता है कि नॉर्मल ट्विस्ट के अंदर जो भी ट्विस्ट हम इंसर्ट करते हैं वो सारा का सारा स्पिनिंग के नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही डाला जाता है। दोस्तों अब तीसरा होता है हाई ट्विस्ट यार्न। तो हाई ट्विस्ट यार्न क्या होता है, दिस टाइप ऑफ यार्न कंटेन्स ए हायर डिग्री ऑफ ट्विस्ट देन स्टैंडर्ड। दोस्तों हाई ट्विस्ट यार्न में जो ट्विस्ट इंसर्ट होता है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा होता है। दिस यार्न हैज ए रफ फील। इस यार्न की जो फील होती है थोड़ी सी रफ होती है। दिस यार्न इंक्रीजेज द क्लियरिटी ऑफ द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों यदि हम किसी कपड़े में हाई ट्विस्ट यार्न यूज करते हैं तो उस कपड़े का टेक्सचर होता है वो क्लियर आता है। इट पोजेज हायर स्ट्रेंथ देन नॉर्मल ट्विस्ट यार्न। दोस्तों इस धागे की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल यार्न से ज़्यादा होती है। इट शोज गुड लस्चर इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल ट्विस्ट यार्न। दोस्तों ये जो आपका हाई ट्विस्ट यार्न होता है उसका जो लस्चर होता है वो नॉर्मल ट्विस्ट से ज़्यादा बेटर होता है। द यार्न लुक्स फाइनर देन नॉर्मल ट्विस्ट यार्न। जो आपका हाई ट्विस्ट यार्न होता है वो नॉर्मल ट्विस्ट यार्न से कुछ फाइनर दिखाई देता है। इट हैज़ बेटर पुलिंग प्रॉपर्टीज। दोस्तों आपके हाई ट्विस्ट यार्न की प्लेन प्रॉपर्टीज बेटर होती है। अब दोस्तों अगला बेस है हमारा क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू द स्पिनिंग प्रोसेस यूज। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा धागा होता है वो अकॉर्डिंग टू द स्पिनिंग प्रोसेस यूज दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है रिंग फ्रेम यार्न, दूसरा होता है ओपन एंड यार्न। दोस्तों रिंग फ्रेम यार्न क्या होता है, देखिए द यार्न बीइंग स्पन बाई द रिंग फ्रेम मशीन इज कॉल्ड रिंग फ्रेम यार्न। मतलब ऐसा धागा जो रिंग फ्रेम मशीन से स्पन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिंग फ्रेम यार्न। दोस्तों अब इस हम रिंग फ्रेम के धागे को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं रिंग फ्रेम यार्न की। पहला होता है कार्डेड यार्न, दूसरा होता है सुपर कार्डेड यार्न, तीसरा होता है सेमी कॉम्ड यार्न, चौथा होता है कॉम्ड यार्न और पाँचवा होता है सुपर कॉम्ड यार्न और छठवा होता है कम्पैक्ट यार्न। दोस्तों देखिए आपका कार्डेड यार्न क्या होता है, इन दिस यार्न ऑर्डिनरी कार्डिंग प्रोसेस इज डन एंड द यार्न इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द रिंग फ्रेम मशीन। ये जो कार्डेड यार्न होता है इसके अंदर नॉर्मल कार्डिंग करी जाती है और ये धागा रिंग फ्रेम मशीन से बनाया जाता है। दिस यार्न हैज शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स इन इट। दोस्तों जो कार्डेड धागा होता है इसके अंदर शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स डर्ट ब्रोकन शीट्स टू। कार्डेड यार्न में क्या होता है कि गंदगी भी होती है और ब्रोकन शीट्स भी ज़्यादा होते हैं। इट हैज पुअर स्ट्रेंथ एंड यार्न रेगुलरिटीज। दोस्तों कार्डेड यार्न के अंदर स्ट्रेंथ होती है वो पुअर होती है और उसके अंदर जो यार्न की रेगुलरिटी होती है वो पुअर होती है। अब दोस्तों एक होता है सुपर कार्डेड यार्न। दोस्तों सुपर कार्डेड यार्न क्या होता है, दिस यार्न इज प्रोड्यूस्ड थ्रू स्पेशल कार्डिंग प्रोसेस एंड द यार्न इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द रिंग फ्रेम मशीन। दोस्तों ये जो आपका सुपर कार्डेड यार्न होता है वो स्पेशल कार्डिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है और धागे की स्पिनिंग रिंग फ्रेम पर की जाती है। दिस यार्न कंटेन्स लेस डर्ट ब्रोकन शीट्स एंड यार्न रेगुलरिटीज इन कंपेरिजन ऑफ कार्डेड यार्न।
दोस्तों ये जो सुपर कार्डेड यान होता है इसके अंदर क्या होता है, कार्डेड यान से कम गंदगी होती है, ब्रोकन शीट भी कम होते हैं और धागे के अंदर यान रेगुलरिटीज भी अच्छी होती हैं। तो दोस्तों इट शोज बेटर स्ट्रेंथ एंड लोअर हेरीनेस देन कार्डेड यान। दोस्तों सुपर कार्डेड यान के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और उस धागे की जो हेरीनेस होती है वो भी कम होती है कार्डेड यान की तुलना में। दोस्तों अब आता है आपका सेमी कॉम्ब यान। दोस्तों सेमी कॉम्ब यान क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यान द कॉम्बिंग प्रोसेस इज डन पार्शियली। दोस्तों सेमी कॉम्ब यान में क्या होता है कि धागे की जो कॉम्बिंग होती है वो आंशिक रूप से की जाती है, मतलब पार्शियली की जाती है। द यान इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द रिंग फ्रेम मशीन, और आपका सेमी कॉम्ब यान होता है वो रिंग फ्रेम स्पिनिंग मशीन से बनता है। शॉर्ट फाइबर्स डर्ड एंड ब्रोकन सीड्स आर रिमूव्ड पार्शियली फ्रॉम द यान। दोस्तों जो सेमी कॉम्ब यान होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके शॉर्ट फाइबर है, गंदगी डर्ट है, ब्रोकन सीड है, वो आंशिक रूप से रिमूव हो जाते हैं, मतलब पार्शियली रिमूव हो जाते हैं। तो बेटर इवननेस, हेरीनेस एंड स्ट्रेंथ आर अचीव्ड इन दिस यान। तो दोस्तों सेमी कॉम्ब यान के अंदर अच्छी इवननेस होती है, हेरीनेस भी सुधर जाती है कुछ और स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। अब दोस्तों एक होता है फुल्ली कॉम्ब यान। दोस्तों इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यान परफेक्ट कॉम्बिंग प्रोसेस इज अडोप्टेड। दोस्तों आपके फुली कॉम्ब यान के अंदर पूरी कॉम्बिंग प्रोसेस अडोप्ट करी जाती है। द यान इज मेड ऑफ रिंग फ्रेम यान। दोस्तों ये जो आपका फुली कॉम्ब यान होता है इसकी स्पिनिंग रिंग फ्रेम पर की जाती है। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट फाइबर्स डर्ट एंड ब्रोकन सीड्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द यान। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फाइबर डर्ट मतलब गंदगी और ब्रोकन सीड आपके धागे से निकल जाते हैं। दिस यान शोज एक्सीलेंट स्ट्रेंथ एंड इवननेस। दोस्तों इस तरीके का धागा अच्छी स्ट्रेंथ शो करता है, इवननेस शो करता है। इट हैज लो हेरीनेस, इस धागे के अंदर कम हेरीनेस होती है। इट शोज गुड लस्चर एंड सॉफ्ट फील। दोस्तों आपका जो फुल्ली कॉम्ब धागा होता है वो लस्चर भी अच्छा दिखाता है और सॉफ्ट फील भी होता है। अब दोस्तों एक होता है सुपर कॉम्ब यान। तो दोस्तों सुपर कॉम्ब यान क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यान स्पेशल कॉम्बिंग प्रोसेस इज अडोप्टेड। दोस्तों सुपर कॉम्ब यान के अंदर स्पेशल कॉम्बिंग प्रोसेस अडोप्ट करी जाती है। द यान इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द रिंग फ्रेम मशीन। सुपर कॉम्ब धागा रिंग फ्रेम मशीन पर बनता है। इन दिस यान शॉर्ट फाइबर्स एंड डर्ट आर रिमूव्ड कम्प्लीटली। इस तरीके के धागे में शॉर्ट फाइबर और गंदगी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। ब्रोकन सीड्स आर रिमूव्ड अप टू ऑप्टिमम लेवल, और जो आपके धागे के अंदर जो ब्रोकन सीड होते हैं वो भी ऑप्टिमम लेवल तक रिमूव हो जाते हैं। फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड अप टू मैक्सिमम लेवल, और जो धागे के अंदर फाइबर होते हैं वो भी मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेटन हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। इट हैज एक्सीलेंट स्ट्रेंथ इवननेस एंड हेरीनेस लेवल। दोस्तों जो हमारा सुपर कॉम्ब धागा होता है उसकी जो हेरीनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, इवननेस होती है वो बहुत अधिक होती है। दिस यान कंटेन्स मिनिमम यान इरेगुलरिटीज, इस तरीके के धागे के अंदर मिनिमम यान इरेगुलरिटीज होती हैं। अब दोस्तों एक होता है कम्पैक्ट यान। दोस्तों कम्पैक्ट यान क्या होता है, ये स्पेशल कम्पैक्ट स्पिनिंग डिवाइस इन द रिंग फ्रेम इज यूज टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ यान। दोस्तों इस तरीके का धागा या कम्पैक्ट यान बनाने के लिए रिंग फ्रेम मशीन के ऊपर एक स्पेशल डिवाइस यूज की जाती है। दिस यान शो द बेस्ट स्ट्रेंथ इवननेस लस्चर एंड फील अमोंग ऑल स्पन यान। दोस्तों ये जो आपका कम्पैक्ट यान होता है वो सारे स्पन यान में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है, इवननेस लस्चर फील अच्छा होता है। इट हैज नो शॉर्ट फाइबर एंड डर्ट। दोस्तों कम्पैक्ट यान के अंदर ना तो शॉर्ट फाइबर होते हैं और ना ही गंदगी होती है। इट हैज द बेस्ट लेवल ऑफ हेरीनेस इन इट। दोस्तों कम्पैक्ट यान के अंदर हेरीनेस बहुत कम होती है। इट हैज द लोएस्ट लेवल
ऑफ इरेगुलरिटीज अमंग ऑल स्पन यार्न। दोस्तों आपके कॉम्पैक्ट यार्न के अंदर जो यार्न इरेगुलरिटीज होते हैं वो सबसे कम होती हैं। दोस्तों अब दूसरा आता है ओपन एंड यार्न। अब दोस्तों ओपन एंड यार्न क्या होता है? दिस यार्न इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन एन ओपन एंड मशीन। दोस्तों ये जो आपका ओपन एंड यार्न होता है वो ओपन एंड मशीन पर बना होता है। तो वो मशीन कौन सी होती है? वो होती है रोटर स्पिनिंग मशीन। द यार्न इज डायरेक्टली स्पन फ्रॉम स्लाइवर ऑब्टेंड फ्रॉम कार्डिंग। दोस्तों जो आपका ओपन एंड यार्न होता है वो डायरेक्टली कार्डिंग से प्राप्त होने वाले स्लाइवर से बना होता है। मैनी प्रोसेसेस ऑफ स्पिनिंग आर बाईपास्ड इन दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द यार्न। दोस्तों ओपन एंड यार्न के प्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत सारी जो स्पिनिंग प्रोसेसेस होती हैं उनको बाईपास किया जाता है। देयरफॉर यार्न ऑब्टेंड फ्रॉम दिस प्रोसेसेस इज चीपर देन रिंग फ्रेम यार्न। तो यही कारण होता है कि रिंग फ्रेम का धागा महंगा होता है और ओपन एंड का धागा सस्ता होता है। दिस टाइप ऑफ यार्न कंटेंस शॉर्ट फाइबर्स इन इट। दोस्तों ओपन एंड के धागे के अंदर शॉर्ट फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैज पुअर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ओपन एंड के धागे में स्ट्रेंथ पुअर होती है। इट कंटेंस मोर डर्ट एंड ब्रोकन सीड देन एनी रिंग फ्रेम स्पन यार्न हैविंग द सेम मिक्सिंग ऑफ द फाइबर। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए आप, यदि हम दो यार्न बना रहे हैं मिक्सिंग हमने सेम रखी हुई है तो ओपन एंड के यार्न में क्या होगा, जो ब्रोकन सीड होंगे वो भी ज़्यादा होंगे और गंदगी भी ज़्यादा होगी रिंग फ्रेम यार्न की तुलना में। इट शोज द पुअर लेवल ऑफ हेरीनेस। दोस्तों रिंग फ्रेम के धागे में हेरीनेस अच्छी होती है जबकि आपके ओपन एंड के धागे में जो हेरीनेस का लेवल होता है वो बहुत पुअर होता है। लश्चर एंड हैंड फील अच्छी नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ यार्न कंटेंस मैनी इरेगुलरिटीज। तो दोस्तों जो ओपन एंड का धागा होता है उसके अंदर इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों एक होता है फिलामेंट यार्न। तो दोस्तों फिलामेंट यार्न क्या होता है? द यार्न कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट्स और फाइबर्स आइदर ट्विस्टेड और ओनली ग्रुप्ड टुगेदर इज कॉल्ड फिलामेंट यार्न। दोस्तों एक ऐसा यार्न जिसके अंदर लॉन्ग मतलब लंबे और कंटिन्यूस फिलामेंट यूज किए गए हैं और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया गया है या उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है, तो ऐसे धागे को हम बोलते हैं फिलामेंट यार्न। इट मे बी मैनमेड और सिंथेटिक बोथ। दोस्तों ये जो आपका फिलामेंट यार्न होता है वो कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं हम? तो हम फिलामेंट यार्न को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मोनोफिलामेंट यार्न, एक होता है मल्टीफिलामेंट यार्न। तो दोस्तों देखिए मोनोफिलामेंट यार्न क्या होता है? द यार्न कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट इज कॉल्ड मोनोफिलामेंट यार्न। मतलब ऐसा यार्न जिसके अंदर सिर्फ एक ही फिलामेंट है ऐसे यार्न को हम बोलते हैं मोनोफिलामेंट यार्न। इट इज जनरली हैज द सिंगल कोर्स फिलामेंट इन इट। दोस्तों इस तरीके के धागे में सिर्फ एक ही मोटा फिलामेंट होता है। दिस फिलामेंट हैज गुड स्ट्रेंथ। नॉर्मली इस तरीके का धागा होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। अब दोस्तों एक होता है मल्टी फिलामेंट यार्न। द यार्न हैविंग मोर देन वन लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट टुगेदर इज नोन एज मल्टी फिलामेंट यार्न। दोस्तों अब ऐसा धागा जिसके अंदर एक से ज़्यादा फिलामेंट यूज किया गया है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी फिलामेंट यार्न। मोर देन वन फिलामेंट आर ग्रुप टुगेदर। दोस्तों ऐसे धागे में एक से ज़्यादा फिलामेंट को ग्रुपिंग करी जाती है। दीज फिलामेंट्स मे बी ट्विस्टेड और पंच्ड टू प्रिवेंट द फ्रेइंग ऑफ द फिलामेंट। दोस्तों ये एक से ज़्यादा जो फिलामेंट हैं उनको ट्विस्टेड भी किया जा सकता है और उनकी पंचिंग भी करी जा सकती है। सम टाइम्स फिलामेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ओनली। सम टाइम्स क्या होता है कि आपके जो फिलामेंट यार्न है उनमें सिर्फ ग्रुपिंग करी जाती है, ना ही पंचिंग होती है ना ही ट्विस्टिंग होती है। तो दोस्तों देखिए आप जो मल्टी फिलामेंट यार्न है उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, मतलब कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे उसका? तो हम मल्टी फिलामेंट यार्न को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्विस्टेड फिलामेंट यार्न, दूसरा है रोटो फिलामेंट यार्न और तीसरा है जीरो ट्विस्ट फिलामेंट यार्न। दोस्तों देखिए यहाँ पर ट्विस्टेड फिलामेंट यार्न क्या होता है? द यार्न कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन
लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट ग्रुप्ड टुगेदर। दोस्तों इस धागे में क्या होता है, एक से ज्यादा कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न को साथ में ग्रुप किया जाता है, हैविंग द ट्विस्ट टू स्टॉप द फ्रेंग ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड ट्विस्टेड फिलामेंट। दोस्तों इस तरीके के धागे में क्या होता है कि स्लाइटली कुछ ट्विस्ट दिया जाता है जिससे जो फिलामेंट हैं उनकी फ्रेंग ना हो, मतलब फ्रेंग का मतलब होता है कि आपके जो फाइबर हैं या फिलामेंट हैं वो अलग अलग ना जाएं। तो ऐसे धागे को हम बोलते हैं ट्विस्टेड फिलामेंट यार्न। अब दोस्तों एक होता है रोटो फिलामेंट यार्न, इसमें क्या होता है, द यार्न कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर एंड हैविंग पंचेज इन लेंथ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस टू प्रिवेंट द फ्रेंग ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड रोटो यार्न। मतलब सीधा सा है कि जो आपका रोटो फिलामेंट होता है उसके अंदर एक से अधिक कंटिन्यूस फिलामेंट होते हैं, उनको आपस में ग्रुप किया जाता है और उनके बीच बीच में क्या होता है पंचिंग करी जाती है, एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर पंचिंग करी जाती है जिससे कि आपके जो फाइबर हैं उनकी फ्रेंग ना हो। दोस्तों एक होता है आपका जीरो ट्विस्ट फिलामेंट यार्न, द यार्न कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट ग्रुप टुगेदर ओनली इज कॉल्ड जीरो ट्विस्ट और ट्विस्ट लेस फिलामेंट यार्न। दोस्तों ऐसा यार्न जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंटिन्यूस फिलामेंट प्रेजेंट है और उनको सिर्फ ग्रुपिंग करी गई है, उनकी उनमें कोई भी ट्विस्ट नहीं दिया गया है, तो ऐसे यार्न को हम बोलते हैं जीरो ट्विस्ट और ट्विस्ट लेस फिलामेंट यार्न। अब दोस्तों इन कैटेगरीज के अलावा और भी सारे यार्न होते हैं, नोवेल्टी यार्न क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इट इज़ टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्ट्रैंड। दोस्तों नोवेल्टी यार्न में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्ट्रैंड होते हैं, दीज यार्न्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड डेकोरेटिव सरफेस इफेक्ट। दोस्तों ये जो नोवेल्टी यार्न होते हैं ये कपड़े की सरफेस में डेकोरेटिव इफेक्ट देने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेस्ड ऑन द पर्पज ईच स्ट्रैंड इज रेफर्ड टू एज द बेस कोर इफेक्ट और बाइंडर। दोस्तों पर्पज के अनुसार हम ये जो नोवेल्टी यार्न होता है इसके जो अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, बेस भी हो सकता है, कोर भी हो सकता है और बाइंडर भी हो सकता है। द बेस कोर स्ट्रैंड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों जो बेस या कोर स्ट्रैंड होता है वो धागे को स्ट्रेंथ देता है। द इफेक्ट स्ट्रैंड क्रिएट्स डेकोरेटिव डिटेल्स सच एज नॉट्स एंड लूप्स। दोस्तों जो आपका इफेक्ट स्ट्रैंड होता है वो आपके धागे को या आपके कपड़े को डेकोरेटिव इफेक्ट देता है। द वाइंडर इज यूज टू टाई द इफेक्ट यार्न टू द बेस यार्न। दोस्तों यदि ज़रूरत होती है तो नोवेल्टी यार्न के अंदर बाइंडिंग यार्न भी दिया जाता है, वो क्या करता है कि आपके बेस यार्न और इफेक्ट यार्न को बाइंड करके रखता है। देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ नोवेल्टी यार्न। दोस्तों ये जो नोवेल्टी यार्न होते हैं इनकी बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है, दैट आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड टाइप ऑफ फाइबर एंड स्टैंड। दोस्तों ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोवेल्टी यार्न हैं उनको अलग अलग टेक्निक से अलग अलग फाइबर यूज करके और अलग अलग स्टैंड ऑफ फाइबर यूज करके बनाया जाता है। द टर्मिनोलॉजी एज वेल एज द क्लासिफिकेशन फॉर नोवेल्टी यार्न वेरीज कंसिडरेबली। दोस्तों ये जो नोवेल्टी यार्न बनाने की टर्मिनोलॉजी है और उनको जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड नोवेल्टी यार्न कैटेगरीज आर इंक्लूड इन दिस सेक्शन। दोस्तों इस सेक्शन में हमने कुछ नोवेल्टी यार्न की कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहला होता है स्लब यार्न, द यार्न हैविंग फिक्स्ड साइज थिक प्लेसेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्लब यार्न। दोस्तों क्या होता है कि आपके धागे के अंदर कुछ डिस्टेंस के इंटरवल के बाद में एक फिक्स साइज के थिक प्लेसेज अगर आ रहे हैं तो ऐसे यार्न को हम बोलते हैं स्लब यार्न। इट मे बी आइदर सिंगल प्लाई और मल्टीप्लाई यार्न। दोस्तों आपका जो स्लब यार्न होता है सिंगल प्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। एक होता है फ्लॉक और फ्लैक यार्न, द यार्न हैविंग स्मॉल टफ्ट्स ऑफ डिफरेंट
कलर्ड फाइबर्स एडेड एट इंटरवल इज कॉल्ड फ्लॉक और फ्लैक यार्न। दोस्तों क्या है कि यदि आपका धागा है उस धागे में एक रेगुलर इंटरवल के बाद में कलर्ड फाइबर के फ्लॉक या फ्लैक आ रहे हैं तो ऐसे धागे को हम फ्लॉक यार्न बोलते हैं या फ्लैक यार्न बोलते हैं। दीज टफ्ट्स मे बी इजिली पुल्ड आउट। दोस्तों यदि हम चाहें तो अपने हाथ से इन टफ्ट्स को खींच भी सकते हैं। फ्लॉक यार्न आर जनरली सिंगल यार्न। जनरली क्या होता है जो आपका फ्लॉक यार्न होता है सिंगल प्लाई यार्न होता है। नब नॉट एंड स्पॉट यार्न। दोस्तों ये क्या होते हैं द प्लाई यार्न इन विच द इफेक्ट यार्न इज ट्विस्टेड अराउंड द बेस यार्न टू प्रोड्यूस ए थिकर एरिया और ए बम्प इज कॉल्ड नब नॉट और स्पॉट यार्न। दोस्तों एक होता है वोकल यार्न और लूप यार्न। ये क्या होता है द प्लाई मेड बाय यूजिंग थ्री सेट ऑफ यार्न। दोस्तों इसमें क्या होता है थ्री सेट ऑफ यार्न यूज करते हैं बेस और कोर यार्न इफेक्ट यार्न एंड टाई यार्न एंड हैविंग द लूप इफेक्ट अराउंड द बेस और कोर यार्न इज कॉल्ड वोकल यार्न। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें कोर यार्न होता है इफेक्ट यार्न होता है और टाई यार्न होता है और एक जो धागा होता है इफेक्ट यार्न का वो बेस यार्न के ऊपर एक लूप का इफेक्ट देता है। द इफेक्ट यार्न इज टाइड विद कोर यार्न विद द हेल्प ऑफ वाइंडर यार्न। दोस्तों जो इफेक्ट यार्न होता है वो टाई यार्न के द्वारा आपके बेस यार्न के ऊपर बाइंड होता है। एक होता है दोस्तों स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न। दीज आर प्लाई यार्न इन विच वन प्लाई इज सॉफ्ट एंड थिक एंड द अदर प्लाई इज फाइन। दोस्तों ये जो स्पाइरल यार्न होता है उसको कैसे बनाया जाता है उसका ये तरीका होता है एक प्लाई फाइन ली जाती है दूसरी प्लाई कोर्स ली जाती है उसको ट्विस्टिंग कर दी जाती है साथ में तो आपका स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों एक होता है सनील यार्न। तो सनील यार्न क्या होता है दीज आर पाइल यार्न दैट आर ऑफन मेड बाय स्लीटिंग लिनो वीव फैब्रिक इनटू नैरो स्ट्राइप्स इन द बार्ब डायरेक्शन। दोस्तों ये क्या होता है कि लिनो वीव के द्वारा हम क्या करते हैं कि उसके बीच में धागे को बाइंड करते हैं और उसको बीच में हम स्लेटिंग कर देते हैं दो भागों में बढ़ जाता है तो उसमें पाइस दिखाई पड़ने लगते हैं तो ऐसे धागे को बोलते हैं सनेल यार्न। अब दोस्तों ये होता है टेक्सचर्ड यार्न। दीज आर मेड ऑफ फुली ड्रोन फिलामेंट फाइबर विद ए चेंज सरफेस शेप एंड टेक्सचर्ड डेवलप्ड बाय यूजिंग द न्यू स्पिनिंग टेक्निक। इस तरीके के यार्न होते हैं उनको हम ड्रोन करके बनाते हैं फिलामेंट को और उससे क्या होता है ड्रोन करने से क्या आपकी सरफेस चेंज हो जाती है शेप चेंज हो जाती है। तो नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर टू मेन फाइबर्स दैट आर टेक्सचर्ड। दोस्तों नाइलॉन होता है और पॉलिस्टर होता है ये टेक्सचर्ड फाइबर होते हैं। टेक्सचर्ड यार्न प्रोवाइड्स मैनी वेरिएशंस इन फैब्रिक प्रॉपर्टी। उसको ये जो टेक्सचर्ड यार्न होते हैं आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ टेक्सचर्ड यार्न। दोस्तों जो आपके टेक्सचर्ड यार्न होते हैं दो तरीके के होते हैं एक होता है स्ट्रेच्ड यार्न एक होता है बल्क यार्न। दोस्तों ये स्ट्रेच यार्न होता है क्या होता है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आपका जो टेक्सचर्ड यार्न होता है जो हमने नीचे पांच मेथड दिए हुए हैं उनके थ्रू बनाया जाता है उनमें पहला मेथड होता है बाय यूजिंग स्पेशल हीट सेटिंग ट्रीटमेंट टू थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट फाइबर सच एज नाइलॉन और पॉलिएस्टर। दोस्तों क्या होता है कि हीट सेटिंग के द्वारा हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर लाइक पॉलिएस्टर और नाइलॉन में हीट सेटिंग करते हैं उससे ये इफेक्ट आता है। और एक होता है फ्रॉम इलास्टोमेरिक फाइबर्स। दोस्तों उसमें क्या करते हैं हम इलास्टोमेरिक फाइबर यूज करते हैं वो इलास्टोमेरिक फाइबर क्या होते हैं वो आपका इलास्टिन भी हो सकता है। फ्रॉम बायो कंपोनेंट फाइबर्स तो दोस्तों उसमें हम बायो कंपोनेंट फाइबर यूज करते हैं। फ्रॉम बाई कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स फ्रॉम केमिकली ट्रीटेड नेचुरल फाइबर्स। अब दोस्तों बल्क यार्न क्या होता है दीज आर सॉफ्टर एंड मच प्लाइबल देन टाइटली कंस्ट्रक्टेड ट्विस्टेड यार्न। दोस्तों जो आपका बल्क यार्न होता है वो सॉफ्टर भी होता है और प्लाइबल भी होता है टाइट यार्न की तुलना में और हाई ट्विस्टेड यार्न की तुलना में। बल्क यार्न आर ऑल्सो हैव ए बेटर कवर। दोस्तों जो बल्क यार्न होता है उनका कवर फैक्टर ज़्यादा होता है दे क्रिएट ए लेस ट्रांसपेरेंट फैब्रिक एंड आर ऑफ टू टाइप। दोस्तों ये जो बल्क यार्न होते हैं इनका जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम होती है कपड़ों की
तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाई बल्क यान, दूसरा होता है लूप बल्क और एयर जेट यान। अब दोस्तों एक आता है होलो यान या एयर रिच यान। दोस्तों क्या होता है होलो यान या एयर रिच यान क्या होता है? दिस यान इज मेड ऑफ स्टेपल फाइबर्स। दोस्तों आपका जो होलो यान होता है या एयर रिच यान होता है ये स्टेपल फाइबर्स से बना होता है। सम क्वांटिटी ऑफ पीवीए फाइबर्स इज एडेड विद द मेन कंपोनेंट। दोस्तों ये जो होलो यान होता है इसकी मिक्सिंग के बीच में क्या करते हैं कि पीवीए फाइबर की सम क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है। दिस पीवीए कंटेंट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इज एलिमिनेटेड कम्प्लीटली आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जो हमने अपनी मिक्सिंग में यान की मिक्सिंग में जो पीवीए का फाइबर ऐड करा है वो क्या होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। दस द होलो स्पेस मतलब एयर स्पेस इज क्रिएटेड इन द यान। इस तरीके से हमारे यान में क्या होता है जो एयर स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। दिस यान बिकम्स सॉफ्टर। तो इस तरीके से जब एयर स्पेस बढ़ गया तो हमारा यान सॉफ्ट भी हो जाता है। द मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी ऑफ यान इज आल्सो इंक्रीज। दोस्तों और हमारे यान की जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में बहुत सारे यान के टाइप और यान थ्रेड की डेफिनेशन और थ्रेड और यान में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।